की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं, जब भी हम YouTube पर काम करते हैं और हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, बस YouTube पर वीडियो डालें और उसके बाद में जैसे ही 4000 घंटे इसी के साथ में 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं तो हम लॉन्ग वीडियो के थ्रू यहाँ पर अपने चैनल को मोनेटाइज कर लें, या फिर जो कि 3 मंथ में 10 मिलियन हमारे वीडियो पर व्यूज आ जाएं, इसी के साथ में 1000 सब्सक्राइबर्स आ जाएं, ठीक है। तो सोचते हैं कि हम शॉर्ट वीडियो के ही थ्रू मोनेटाइज कर लें, पर इसके अलावा भी कई सारी जानकारियां हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है अगर आप YouTube पर आना चाह रहे हैं या फिर अपने एक YouTube चैनल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर आपने YouTube चैनल बना लिया है पर उस पर आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, पर क्या कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं आप जो कि आपको बाद में नुकसान हो जाए, यानी कि आपकी मेहनत कोई काम में नहीं आए। तो इसे आपको चेक करने के लिए और इन बातों को आपको ध्यान में रखकर वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ को YouTube पर डाउनलोड करने से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ के बारे में नहीं बताना है, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पर स्ट्राइक आती हैं, ठीक है। अब स्ट्राइक क्या होती हैं, इसी के साथ में वार्निंग क्या होती हैं, कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर स्ट्राइक क्या होती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि स्ट्राइक है वो YouTube देता है, ठीक है, पर मैं कहता हूँ कि YouTube स्ट्राइक नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि वो किस तरीके से नहीं देता है। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाती है हमारी कॉपीराइट स्ट्राइक, ठीक है। जैसे कि हम कुछ वीडियोज़ को ले लेते हैं, ठीक है, अब उन वीडियोस का जो ओनर होता है कोई और होता है, उस अब जिससे हम वो वीडियो को लेते हैं, कई बार ऐसा होता है उसने भी उस वीडियो को चोरी किया हुआ होता है, ठीक है। तो जो हम चोर से ही पूछ लेते हैं कि भाई हम इस वीडियो को ले लें, ठीक है, वो कह देता है ले लो, ठीक है, पर जो उसका ओरिजिनल ओनर है उससे हम नहीं पूछ पाते हैं, ठीक है, या फिर हमने ओरिजिनल ओनर से ही हमने बिना पीछे उसकी वीडियो अपनी वीडियो में यूज कर ली है, ठीक है। तो उस वीडियो को हमने अपलोड कर दिया, अब ऐसे में उस ओनर को पता लगता है कि भाई उसने हमारी इतनी वीडियो का पार्ट या फिर उसने पूरी वीडियो लेकर अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, वो YouTube को सीधे इन्फॉर्म करेगा, कहेगा YouTube से कि इस व्यक्ति ने, इस चैनल के ओनर ने हमारी वीडियोस को ले लिया है और अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब YouTube क्या करेगा, जो भी जिसकी भी वीडियो लेते हैं आप, ठीक है, उस ओनर के पास एक फॉर्म देगा, ठीक है, कहेगा वो आप इस फॉर्म को भरेगा। अब जिसका वीडियो आपने चोरी किया है तो वो मालिक, ठीक है, क्या करेगा, उस फॉर्म को भरेगा, सारी डिटेल भरेगा, वो YouTube को इन्फॉर्म कर देगा। अब YouTube का काम क्या होगा, वो सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर देगा जिसकी वीडियो चोरी की है, ठीक है, तो वो आपके पास भेज देगा, ठीक है। इसी के साथ में जो वीडियो होगी उसे भी वो टेक डाउन कर देगा, यानी कि बंद कर देगा, रोक देगा, ठीक है, और आपको दे देगा कॉपीराइट स्ट्राइक। तो इसमें एक्चुअली में YouTube का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है, तो जो भी सामने वाला व्यक्ति है वो आपको स्ट्राइक दे रहा है, ठीक है, हालांकि YouTube आपको स्ट्राइक नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वार्निंग क्या होती है, ठीक है, ये चीज़ आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। वार्निंग वो चीज़ होती है जैसे कि ना तो हम किसी की वीडियो यहाँ पर चोरी कर रहे हैं ना तो कुछ, ठीक है, पर हम वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, जानकारी भी हम उसमें सही दे रहे हैं, ठीक है, पर वो जानकारी किसी के लिए घातक हो सकती है, ठीक है, जैसे कि ड्रग्स दिखाना, ठीक है, किसी का गला दबाना, या फिर हो सकता है किसी चीज़ को तुम ऐसी चीज़ों को उसमें वीडियोस में दिखा रहे हैं जो किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में आती है कि YouTube की कॉपीराइट स्ट्राइक वार्निंग, ठीक है, जिसे हम वॉयलेशन वार्निंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अब आपकी वीडियो के जो YouTube का एल्गोरिथम सिस्टम है वो चेक करता है, ठीक है, YouTube आपकी वीडियो को चेक करता है और वो देखता है कि आखिर इस वीडियो में कोई गलती तो नहीं है, गलती है तो क्या है, ठीक है। और ऐसे में गलती पाई जाती है उसके खिलाफ़, ठीक है, वीडियो में, ठीक है, कोई ऐसी गलती पाई जाती है जो कि YouTube की पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रही है वो वीडियो, ठीक है, यानी कि वॉयलेशन कर रही है आपकी वीडियो, ठीक है, तो ऐसे में वो दे देगा आपको, YouTube की तरफ से आ जाएगा कि, यानी कि YouTube की तरफ से आ जाएगा योर कंटेंट रिमूव, ठीक है, और इसी के साथ में आपको एक स्ट्राइक दे देगा, ठीक है। अब स्ट्राइक दे देगा, ठीक है, तो वो आपके चैनल पर रहेगी, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन से कितने दिन तक रहती है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है कॉपीराइट क्लेम, ठीक है। अब क्लेम में क्या होता है, जैसे कि आप किसी का भी सॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि टी सीरीज एक चैनल है, ठीक है, उसे YouTube की तरफ से एडी कंटेंट मिला हुआ होता है। अब एडी कंटेंट क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर इस चैनल से कोई भी सॉन्ग या फिर कोई भी वीडियो लेता है, ठीक है, और वो अपनी वीडियोस में ऐड करता है, तो उस वीडियो से जितनी भी कमाई होगी, ठीक है, वो उस ओनर के पास नहीं जाएगी जिसने वो वीडियो अपलोड की है, ठीक है। जो उस जो भी सॉन्ग का या फिर आपने जिस पार्ट लिया है जिस मूवी वगैरह का जिस चैनल से, ठीक है, उस वीडियो की कमाई उसी ओनर के पास पहुंच जाएगी, ठीक है, ऐटोमेटो ही।
तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या होता है और कॉपीराइट यानी कि वार्निंग में क्या होता है और इसी के साथ में क्लेम में क्या होता है। तो कॉपीराइट स्ट्राइक में ये होता है कि आपके चैनल पर 90 दिन तक सदा बनी रहती है, ठीक है। और इसी में सबसे पहली बार अगर आपके पास स्ट्राइक आती है तो वो क्या कहते हैं कि YouTube भी जानता है इस बात के लिए कि जो भी क्रिएटर हैं वो एक इंसान ही हैं और इंसान से गलती हो जाती है, तो पहली बार जो ही था वो आपको माफ़ कर दिया जाता है, एक वार्निंग दी जाती है, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद में अगर 90 दिन में कोई ऐसी गलती करते हैं आप जो कि आपको वहाँ पर आपने जो भी बताया था YouTube ने, ठीक है, और उसके बाद आपने फिर वही गलती करी तो आपको वहाँ पर स्ट्राइक दी जाती है, ठीक है। स्ट्राइक आपके चैनल पर 90 दिन तक रहती है और उसके बाद में 7 दिन तक आपकी वीडियो ना तो अपलोड कर सकते हैं ना कुछ। उसके बाद में फिर आप यहाँ पर गलती कर देते हैं 90 दिन के अंदर ही, तो ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 स्ट्राइक हो जाती हैं आपके चैनल पर। और फिर ऐसा नहीं है जिस दिन से वो स्ट्राइक आएगी उसी दिन से उससे स्ट्राइक का समय अलग रहेगा, दूसरी स्ट्राइक आएगी तो उस दिन से उसका 90 दिन तक समय अलग रहेगा, ठीक है। पर ऐसे में 90 दिन के बीच में ही अगर वहाँ पर आपकी दूसरी स्ट्राइक आ जाती है तो आपका 7×14 दिन तक आप ना तो अपने चैनल पर कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, ना तो वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ना तो कुछ, ठीक है। ऐसे में आपके चैनल की जो भी ग्रोथ वगैरह होती है, जो भी रैंक होती है, वो हो जाती है डाउन, ठीक है, और आपको 14 दिन तक ना तो काम करने का उस पर कोई भी मौका मिलता है, ठीक है। अब ऐसे में ये होता है कि आपका चैनल डाउन हो जाता है और इसी में आप ना तो कोई काम कर सकते हैं, ठीक है, YouTube पर, तो YouTube की तरफ से आपको हटा दिया जाता है, यानी कि 14 दिन तक आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप YouTube पर काम 14 दिन तक नहीं कर सकते हैं। आपके चैनल पर 2 स्ट्राइक हो गई, अब ऐसे में 3 स्ट्राइक आ जाती, तीसरी स्ट्राइक और आ जाती है 90 दिन में, ठीक है, तो आपके चैनल को वहाँ पर सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि पहली बार आपको वार्निंग दी, उसके बाद में दूसरी स्ट्राइक यानी कि दूसरी बार आपने गलती करी तो पहली स्ट्राइक पड़ गई, उसके बाद में तीसरी गलती करी तो आपको 14 दिन तक आपका चैनल सस्पेंड कर दिया गया है आपको चैनल से। इसी के साथ में तीसरी बार में आपको गलती से आपको फिर मौका नहीं मिलता है, ठीक है, तो आपको परमानेंटली वहाँ पर आपका जो चैनल है वो हटा दिया जाता है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। उसके बाद में आ जाता है कॉपीराइट वार्निंग, तो इसमें भी इसी तरीके से होता है, पहले ये वार्निंग आपको दी जाती है तब आपको माफ़ कर दिया जाता है, तो दूसरी बार आप गलती करते हैं तो आपको 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, और इसमें भी आपका वही रूल रहता है जौन से दिन से आप गलती करते हैं उसके बाद में ही आपको वहाँ पर उस दिन से 90 दिन जुड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब आप दूसरी गलती करते हैं तो फिर आपके 90 दिन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग टाइम पर अगर आई हैं तो अलग अलग टाइम से ही वो उनकी काउंटिंग की जाएगी, ठीक है। पर 90 दिन के बीच में ही अगर वो इकट्ठी हो जाती हैं तीनों स्ट्राइक, ठीक है, वार्निंग को छोड़कर, तो आपके चैनल को हटा दिया जाएगा, ठीक है, परमानेंटली। तो ये तो था कुछ इसका रूल्स, ठीक है। अगर आप ऐसी कोई भी गलती करते हैं तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। आप अभी चेक कर लीजिएगा कि आपने कोई ऐसी वीडियो तो अपलोड नहीं कर रखी है कि आप किसी वीडियो को डाउनलोड करना बता रहे हैं या फिर किसी को जुआ से रिलेटेड उसमें सिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ों को वहाँ पर हटा दीजिएगा अभी वीडियोज़ को, ठीक है। थोड़ा सा आपको दुख ज़रूर होगा क्योंकि ऐसी वीडियो हैं वो रैंक ज़्यादा करती हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियो यूट्यूब पर जल्दी अपलोड नहीं होती हैं और आप ऐसी वीडियो अपलोड कर देते हैं तो वीडियो रैंक करती है, ठीक है, क्योंकि लोगों की तो वो डिमांड चाहिए कि उन्हें इस चीज़ से फ़ायदा हो, ठीक है, क्योंकि उनकी ज़रूरत की चीज़ हो तो वो चीज़ आप YouTube पर देखना पसंद करते हैं जो भी व्यक्ति आता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अगर आपकी वीडियो है पर वो किसी को नुकसान दे रही है, ठीक है, कहने का मतलब आप किसी की वीडियो को डाउनलोड करना बता रहे हैं, ठीक है, तो जिसकी वीडियो डाउनलोड हो रही है उससे तो नुकसान हो रहा है पर जो डाउनलोड कर रहा है उसे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे में ये YouTube की पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है। तो आप ऐसी गलती ना करें और उम्मीद करता हूँ अगर आप इन गलती को नहीं करेंगे तो आने वाले समय में एक अच्छा पैसा छाप पाएंगे YouTube से। अगर आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।